पूंछ में सिक्योरिटी फोर्सेज ने गजनी फोर्स के दो मकामी दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया। हेनर गिरनर बरामद हुआ। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू आनंद जैन ने पूंछ में सहाफियों को बताया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला में दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं, जिसमें फौज और पुलिस ने दहशत गर्द तंजीम गजनबी फोर्स के दो मकामी दहशत गर्दों को सोरनकुट से गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से दस्ती बम बरामद हुए हैं। इस बड़ी कामयाबी का ऐलान आज पुंछ में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू आनंद जैन, ब्रिगेड कमांडर रोमियो फोर्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिंह, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल राजौरी पुंछ तेजिंदर सिंह के साथ मीडिया से बातचीत करते हुए किया गया। जब उनसे हमने और पूछताछ की तो हमें ये पता लगा कि ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है और इन आतंकवादियों ने पुंछ में जो दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश की थी। जैसे कि आपको पता है कि एक साल से पुंछ में ग्रेनेड के हादसे देखे गए। हमने ये भी देखा कि एक मंदिर पर भी ग्रेनेड लॉब किया गया, आर्मी लोकेशन पर लॉब किया गया, हॉस्पिटल में लॉब किया गया, गुरुद्वारे में लॉब किया गया। तो इसका एक इंडिकेशन ये भी था कि जो हमारे पुंछ का एक सौहार्द है, कम्युनिटी का आपस में एक तालमेल है, उसको भी ख़राब करने की इसमें कोशिश की गई थी। इसकी मंशा यह भी रही कि जो पुंछ का एक अपना सोसाइटी का बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करने का। इसके अलावा इन्होंने पुंछ में एंटी नेशनल पोस्टर्स का भी चस्पान किया। जो एंटी नेशनल पोस्टर थे उनसे एक दहशत का माहौल पूरी कम्युनिटी में फैलाना, ये इनके मंसूबे में शामिल था। तो लिहाजा ये जब गतिविधियां हुई इसमें एक सस्टेन्ड तरीके से इलाके में सभी ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया। तो ये दो आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है, इससे ये सारे ही मसले हमारे जो है, ये ग्रेनेड ब्लास्ट के जो मसले इलाके में हुए हैं, ये इलाके में हमारे ये सारे मसले जो है वर्कआउट हुए हैं, ये केसेस सॉल्व हुए हैं। और इसमें हमारी जो इनकी इनकी जो फंडिंग हुई है उसके संदर्भ में अभी इन्वेस्टिगेशन और भी जारी है। क्या इसमें ये महसूस हो रहा है कि इन टेरर कुछ इनपुट सजेस करते हैं अक्रॉस से, इस संदर्भ में भी हमें सूचनाएं मिली हैं, उनके लिंक्स मिले हैं और अभी उस पर हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। किस हद तक ये कामयाबी आप देख रहे हैं? ये पुंछ पुलिस के लिए और सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, आर्मी सीआरपीएफ सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है। आतंकवादी घटनाएं यहाँ पर आतंकवादियों ने जो कि बाहर के मुल्क के हैं उन्होंने की है, लेकिन ये घटना जो थी यहाँ के लोकल्स ने की, लिहाजा ये लोकल रिक्रूटमेंट जो हुआ उस संदर्भ में हमने ये बड़ी कामयाबी पाई है कि इसमें इन आतंकवादियों ने जो ये घटनाएं की थी, इसमें जो मॉड्यूल के पीछे लोग थे जो इसकी गतिविधियों में शामिल, जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स की तरफ से जो शामिल हुए थे, उनको हमने पकड़कर इस इन केसेस का सॉल्व किया। सर, क्या लगता है जो आर्मी पे अटैक हुआ था वो लसावगंज से? इनसे ये जो मामले हैं जो मैंने आपको बताया है, इन सभी मामलों में अभी पूछताछ चल रही है
और इन मामलों का खुलासा हुआ है कि ग्रेनेड इन्होंने लॉक किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का इतना इफेक्टिव जो इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, और पहले जो धरपकड़ होती थी बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन इस बार पर्टिकुलरली केसेस पे हो रहा है, तो इसे आप कैसा एक तालमेल मानते हैं या एक सिक्योरिटी फोर्सेस जो हाईटेक होगी? इसमें जो हमारे जो अपर ग्राउंड वर्कर्स हैं इलाके में, खासकर जो एक सपोर्ट बेस है टेररिस्ट का, आतंकवादियों का एक सपोर्ट बेस है, उस पर हमारा एक अभियान काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और इसमें और भी हम तेज़ी ला रहे हैं। इनकी जो प्रॉपर्टियां हैं, जो लोग इनकी मदद कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टियों के अटैचमेंट के लिए भी बदस्तूर हमारी कार्रवाई रजौरी और पुंछ दोनों में ही जारी है और ये आगे भी जारी रहेगी। इसमें जंग साहब इंडियन आर्मी की और ये जो हमारे सामने चैलेंज रहा है यात्रा का, चुनाव का, ताकि एक पीसफुल कंडक्ट हो, इसमें हमारा पूरा एक कोऑर्डिनेशन रहा है, समन्वय सभी के साथ रहा है, आर्मी के साथ, सीआरपीएफ के साथ, एसओजी के साथ, पुलिस के साथ, और सभी ने मिलकर इसमें बड़ी मेहनत की है ताकि हम अपना एक चुनाव को, बाकी प्रक्रिया जो आम चल रही होती है, उनको भी हम पीसफुली कर सकें। सर आज हमारे ऑपरेशन जारी इनके खिलाफ और जल्दी कार्रवाई मिलेगी। इसमें इनके खिलाफ जो इनके जो सपोर्ट बेस में लोग हैं, इनके खिलाफ हमारी कार्रवाइयाँ बदस्तूर जारी रहेंगी और इनके खिलाफ जो ये आतंकवादी इलाके में है, इनके खिलाफ हमारी गतिविधियाँ लगातार जारी रहेंगी। थैंक यू। थैंक यू।